हेलो दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं एनालॉगी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर आपको एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलते हैं। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा पहला दिया रखा है कि टेल से हमारा कोई अगला जो लेटर बन रहा है वो क्या बन रहा है, लेट बन रहा है। क्या LATE टेल से क्या बन रहा है, लेट बन रहा है। उसी प्रकार हमारा कैफे किससे बन रहा होगा। तो टेल और लेट आप लोग देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। टेल और लेट क्या है, आपस में जो है सेम नंबर्स का क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, अरेंजमेंट। तो TAL ये हमारे लेटर्स लिखे और ये भी हमारा क्या है, उन्हीं सेम लेटर से मिलकर क्या है, बस इन लेटर्स का क्या करा है, रीअरेंज कर रखा है इन्होंने, वही हमारे लेटर को इन्होंने रीअरेंज किया है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसको नंबरिंग दे देंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे। इसको पहला बोलेंगे फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इसी तरीके से लेट हो रहा है तो लेट के लिए LATE। तो L हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, इसमें देखेंगे, यहां से देखेंगे L आ रहा है हमारा तीसरे नंबर पर। A हमारा कौन से नंबर पे आ रहा, दूसरे नंबर पर, दो लिख देंगे। फिर हमारा तीन, E हमारा कौन से नंबर पे आ रहा, पहले नंबर पर, पहले लिख देंगे। और E हमारा कौन से नंबर पे आ रहा, चौथे नंबर पे। तो तीन दो एक चार की सीरीज चल रही, वही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ये कैफे लिखा हुआ, कैफे क्या है, बाद वाला मेरा लेटर्स है जो हमारा फॉर्म हो रहा है CA CAFE। तो ये जो लिखा होगा तीन दो एक चार की फॉर्म में लिखा होगा, क्योंकि लास्ट वाला हमारा क्या है, तीन दो एक चार की फॉर्म में, तीन दो एक चार। और लिखना में 1 2 3 4, वन पर हमारा क्या है, एफ है। फिर यहां पर टू, टू पर मेरा क्या है, ए है, तो ए लिख देंगे। फिर यहां पर तीन है, तीन के बाद क्या है, सी है। और चार पर मेरा क्या है, यहां पर ई है। तो मेरा जो निकल के आएगा, ये फेस निकल के आएगा, FACE मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा होगा, फेस लिखा होगा, FACE ऑप्शन मेरा पहला ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है BVSC से हमारा क्या बन रहा है, BEHX बन रहा है। इसी तरीके से MRCP से हमारा क्या बनेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन जो दिया है अपोजिट लेटर्स का दिया हुआ है, अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स के बारे में आपको बता देते हैं, ए ए के साथ बी लिखते हैं, सॉरी ए के साथ क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं, बी के साथ वाई लिखते हैं, सी के साथ एक्स लिखते हैं, ई के साथ डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी होता है, F का अपोजिट U होता है, G का अपोजिट T होगा, H का क्या होगा, S होगा, I का क्या होगा, अपोजिट R होगा, J का अपोजिट Q होगा, K का अपोजिट P होगा और L का अपोजिट O होगा। ये हमारे क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं, अपोजिट्स लेटर्स होते हैं। तो ये आप लोगों को लर्न करना है कि अपोजिट लेटर्स होते कैसे हैं। एक ही नंबरिंग 1 होती है, जेड की 26 होती है। इन नंबरिंग का जब सम करेंगे तो कितने के बराबर निकल के आएगा, 27 के बराबर निकल के आएगा। पी की नंबरिंग 2 होती है, बाई की नंबरिंग 25 होती है, इनका सम करेंगे 27 के बराबर निकल के आएगा। तो यही हमारे अपोजिट लेटर्स होते हैं। ए जेड आजा जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आजा, बी बाई को बाई पढ़ेंगे, सी एक्स को सिक्स पढ़ेंगे, डी डब्ल्यू को डी यू पढ़ेंगे, ई V को इवनिंग पढ़ेंगे, एफ यू को उफ पढ़ेंगे, जी टी को जी टी रोड पढ़ेंगे, एच एस को हाई स्कूल पढ़ेंगे, आई आर को इंडियन रेलवे पढ़ेंगे, जैक का जैक क्वीन, और के को केविन पीटरसन पढ़ेंगे जो इंग्लैंड के क्या थे, क्रिकेटर थे, एलो को लव पढ़ेंगे। ये हमारे अपोजिट लेटर्स होते हैं जो क्वेश्चन में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने अपोजिट लेटर वाला वीडियो डिटेल में नहीं देखा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो हो रहा है, बी का अपोजिट क्या है, बाई है, बाई अभी हमने लिखा, बी का अपोजिट बाई है। वी और ई क्या हो रहे हैं, ये आपस में अपोजिट हो रहे हैं। वी और ई क्या हो रहे हैं, इवनिंग हो रहे हैं। एस और सी क्या हो रहा है, हाई स्कूल हो रहा है। और सी और एक्स क्या हो रहा है, सिक्स हो रहा है। इसी तरीके का एम का अपोजिट क्या होगा, एन होगा, मैन बनेगा, एम एन हमने लिखा यहां पर।
ये छूट गया, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, मैन। एम का अपोजिट एन होगा। उसी प्रकार आर का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे, आई होगा। सी का अपोजिट एक्स होगा। पी का अपोजिट के होगा, केविन पीटरसन। तो एन आई एक्स के, एन आई एक्स के ऑप्शन थर्ड वाला हमारा ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है ए एफ के पी, और क्या बन रहा है ये, बी जी एल क्यू। ए के बाद बी आएगा प्लस एक एड होगा, क्या एड होगा, प्लस वन एड होगा। एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, प्लस वन एड होगा। ए के बाद एल आता है, प्लस वन नंबर बढ़ रहा है, लेटर बढ़ रहा है। पी के बाद क्यू आता है, प्लस वन लेटर हमारा बढ़ रहा है। तो प्लस वन 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 हमारा, मतलब कहने का मतलब क्या है, नेक्स्ट लेटर मेरा आ रहा है। तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। एच के बाद क्या आता है, जी एच आई आई आता है। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। आर के बाद क्या आता है, एस आता है। तो डी आई एन एस मेरा निकल के आएगा, ऑप्शन पहला वाला ठीक हो जाएगा, डी आई एन एस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरा दे रखा है ए सी ई जी, क्या दे रखा है, ए सी ई और जी, क्या बन रहा है इससे, तो ये बन रहा है एन पी आर और टी। तो ए की नंबरिंग आपको मैं बता देता हूं, एक होती है, सी की नंबरिंग तीन होती है, ई की पांच होती है, जी की सात होती है, एन की चौदह होती है, पी की कितनी होगी, सोलह, आर की अठारह होती है, टी की बीस होती है। एक से क्या हो रहा है, चौदह हो रहा है, एक से कितना बढ़ रहा है, चौदह, मतलब तेरह की बढ़ोतरी हो रही, तेरह नंबर एड करेंगे तो अगला लेटर हमें मिलेगा। सी तीन है, तीन से सोलह हो रहा है, ये भी हमारा क्या हो रहा है, प्लस थर्टीन एड हो रहा है, क्या हो रहा है ये, प्लस थर्टीन इसमें भी ऐड हुआ। पांच से अठारह हो रहा है, प्लस थर्टीन नंबर से लेटर बढ़ रहा है, और सात से बीस हो रहा है, प्लस थर्टीन से हमारा नंबर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब है जो मेरी नंबरिंग है उससे मैं तेरह अगर ऐड कर दें तो अगला नंबर हमारा, सॉरी अगला लेटर हमारा मिलेगा। तो ए की ए डी ए डी जी और जे दे रखा है। ए की नंबरिंग की बात कर लेते हैं, पहले हम उसका क्या करते हैं, लेटर्स के ऊपर नंबरिंग कर लेते हैं। ए की नंबरिंग वन होती है, डी की फोर होती है, जी की सेवन और जे की टेन होती है। अगर हम एक में तेरह ऐड करेंगे तो एक में तेरह ऐड करेंगे, फोर्टीन आएगा, फोर्टीन पे क्या आता है, एन आता है मेरा, क्या आता है, एन मिलेगा। डी में अगर हम तेरह ऐड करेंगे, डी में अगर तेरह ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास, चार लिखा है, चार में तेरह ऐड करेंगे, सत्रह, सत्रह पे क्यू आता है मेरा, क्यू आएगा। इसी तरीके से सात लिखा है, तेरह ऐड करेंगे तो टी मिलेगा, ट्वेंटी नंबरिंग होती है। और जे दस लिखा है, दस में तेरह ऐड करेंगे, तेईस, तेईस पे मिलेगा डब्ल्यू। तो मेरा निकल के आएगा एन क्यू टी डब्ल्यू, ऑप्शन मेरा चौथा वाला ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है मेरा एफ एच ई जी से जे एल आई के बन रहा है। तो हमारा एफ एच ई और जी से हमारा क्या बन रहा है, जे बन रहा है, जे एल आई और के, ये मेरे बन रहे हैं। तो एफ की नंबरिंग क्या होती है, छ होती है, एच की आठ होती है, ई की पांच और जी की सेवन। इसी प्रकार जे हमारा दस नंबर पे आता है, एल मेरा जो आएगा कितने नंबर पर आता है, बारह नंबर पर, आई मेरा नौ होता है और के की नंबरिंग ग्यारह होती है। छह से दस हो रहा है, चार की बढ़ोतरी हुई, आठ से बारह हो रहा है, चार की बढ़ोतरी हुई, पांच से हो रहा है नौ तो चार मेरा बड़ा, और सात से चार, मतलब चार चार हमारे नंबर ऐड करेंगे तो अगला लेटर मिलेगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे पी आर ओ क्यू, ये मेरा लिखा हुआ है। इसमें भी अगर हम क्या करेंगे, फोर ऐड करेंगे, पी की नंबरिंग होती है सोलह, आर अठारह, ओ पंद्रह और क्यू सत्रह। सोलह में चार ऐड करेंगे तो मेरा मिलेगा बीस, बीस पे आता है मेरा टी, क्या आता है टी। 18 में चार ऐड करेंगे 22 मिलेगा, 22 पे आता है V, क्या कर रहे हैं ये, चार चार ऐड कर रहे हैं। इसी प्रकार O में अगर चार ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 चार 19 S मिलेगा। इसी प्रकार Q में चार ऐड करेंगे, 17 चार 21, 21 पे आता है U। तो टी वी एस यू क्या मिलेगा, टी वी एस यू, ऑप्शन पहला वाला मेरा ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो दिया है, आपस में ये भी लेटर्स अपोजिट दिए हैं, किस तरीके से दिए देख लिए, ए जेड आजा, दो दो लेटर्स का क्या अपोजिट लिखे, बी बाई बाई। इसी प्रकार डी डब्ल्यू का
जो अपोजिट लिखे हैं, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है ड्यू, ईवी का इवनिंग, एचएस का हाई स्कूल, आईआर का इंडियन रेलवे। तो इन चार ऑप्शन में देखेंगे किसमें एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। जैक क्वीन, यहां तक तो अपोजिट लेटर हैं, लेकिन के ओ का मेल नहीं होता, ये अपोजिट लेटर्स नहीं होते हैं, क्योंकि अपोजिट लेटर्स वो होते हैं जिनका सम क्या आना चाहिए 27, के 11 होता है वो 15, इन दोनों को एड करेंगे 27 नहीं आएगा। केपी का मिल रहा है केवी केविन पीटरसन, ये हमारा दोनों लेटर्स का सम 27 होता है। एल ओ जब एड करेंगे इनका सम भी 27 होगा। तो ये जो ये पेयर लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लेटर्स के पेयर लिखे हुए, के की 11 होता है, पी 16 होता है, इनको एड करोगे 27 आएगा। ओ 12 होता है, और सॉरी हाँ एल 12 होता है, ओ 15 होते हैं, दोनों को एड करोगे 27 आएगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा निकल के आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरा दिया है ए के यू के बाद हमारा नंबर कौन सा होगा, सी एम डब्ल्यू का ये इन्होंने डिकोड करके लिखा है, डी एन एक्स होता है। तो सी से हमारा नंबर क्या हो रहा है, डी हो रहा है, मतलब एक की बढ़ोतरी हुई। एम से एन हो रहा, मतलब एक नंबर मेरा बढ़ा। डब्ल्यू से एक्स हो रहा है, डब्ल्यू एक्स, एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो ए के बाद क्या आएगा, मेरा बी मिलेगा। के बाद क्या आता है, एल आता है, एल मिलेगा। यू के बाद क्या आता है, वी आता है। तो बी एल वी मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन चौथा वाला ठीक हो जाएगा, बी एल वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है ई जी आई के, ई जी आई के, और ये लिया है डब्ल्यू यू एस क्यू, ठीक है। ई जी आई के, ई एफ जी, क्या ई ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, जी आएगा, मतलब प्लस टू से मेरा लेटर बढ़ रहा होगा। जी एच आई प्लस टू से बढ़ रहा होगा, आई के बाद के प्लस टू से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, घट रहा है माइनस दो से। अगर हम क्या करें, माइनस दो से ना घटाएं, पीछे से देखें, क्यू आर एस प्लस टू पीछे से ये बढ़ेगा, एस के बाद क्या आएगा, टी यू प्लस दो से बढ़ेगा, और यू के बाद क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू प्लस टू से बढ़ेगा। ये आगे से प्लस टू लेटर्स बढ़ रहे हैं, ये पीछे से प्लस टू लेटर्स बढ़ रहे हैं। तो डी एफ ये भी हमारा कितने से है, डी एफ एच और जे। ई के बाद ई एफ प्लस टू से बढ़ा, एफ के बाद ई एफ जी एच प्लस टू से बढ़ा, एच के बाद आई जे प्लस टू से बढ़ा। अब देखेंगे इन चार ऑप्शन में कि हमारा पीछे से, ये देखो पहले इसमें आगे से दो बढ़ा और इसका डिकोड किया तो पीछे से दो बढ़ रहा है, इसमें भी क्या कर रहा है, पीछे से हमारा क्या बढ़ रहा है, दो बढ़ रहा है, सॉरी आगे से दो बढ़ रहा है, और यही काम होगा पीछे से, अब क्या करना चाहिए, दो बढ़ना चाहिए। आर के बाद क्या था, आर की नंबरिंग कितनी होती है, 18 होती है, टी की 20 होती है, वी की 22 होती है, और एक्स कितना होगा, 24 होगा। 18 से 20 हुआ पीछे से दो बढ़ा, और ये टी से वी हुआ पीछे से दो बढ़ा, और वी से एक्स हुआ पीछे से दो बढ़ा। तो ऑप्शन मेरा पहला वाला ठीक हो जाएगा, ये 18 से 20 हुआ दो बढ़ा, 20 से 22 हुआ पीछे से दो बढ़ा, 22 से 24 हुआ और दो लेटर्स हमारे बढ़े, तो मेरा ऑप्शन पहला वाला ठीक हो जाएगा। बाकी इन तीनों ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन पहला ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है आर ई डी, आर ई डी क्या बन रहा है, ई एफ एस बन जा रहा है, ई एफ एस। तो ये क्या है, आर ई डी ई एफ एस, तो इनका जो देखते हैं किस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है इसमें। तो R का अपोजिट क्या होगा, अपोजिट नहीं सॉरी, R के बाद क्या आएगा, S आएगा, प्लस वन बढ़ेगा। D के बाद क्या आएगा, प्लस वन इस तरीके से बढ़ेगा, D के बाद नंबर कौन सा था, E, मतलब प्लस वन से बढ़ रहा है, और E के बाद क्या आएगा, F आएगा, ये भी प्लस वन से बढ़ रहा है। वही काम क्या करेंगे, ब्लू में करेंगे, तो B L U और ब्लू, ब्लू में हम क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे। तो B अगर हमारा बढ़ेगा, B के बाद क्या बढ़ेगा, अपोजिट एक बढ़ाएंगे तो C बढ़ जाएगा, E का अपोजिट बढ़ाएंगे एक तो क्या बढ़ेगा, प्लस, E के बाद F आता है, प्लस वन, इसमें भी प्लस। L का अपोजिट क्या होगा, J के L, L के बाद क्या आएगा, M मिलेगा प्लस वन से, और U के बाद हमारा मिलेगा V। तो F V M C, F V M C मेरा अब ऑप्शन पहला वाला ठीक हो जाएगा। सारे लेटर्स हमारे क्या है, एक एक से बढ़ रहे हैं एक एक लेटर्स के बाद, तो ऑप्शन पहला वाला ठीक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है सोशल, एस ओ सी आई ए एल, सोशल से ओ सी आई ए एल एस हो रहा। देखिए गौर से देखिए, पहला जैसा मैंने क्वेश्चन अभी कराया, सेम दसवां क्वेश्चन उसी
कंसेप्ट पे है। मैंने क्या बताया था, अगर सेम लेटर्स मेरे आ रहे हैं, इस लेटर्स में सेम लेटर्स आ रहे हैं, उनका अरेंजमेंट जो है बस अलग तरीके से क्या है, तो हम क्या करेंगे, उनकी नंबरिंग मान लेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग ले लेंगे। तो ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये क्या लिखा, ओ सी आई ए एल एस, ये मेरा लिखा हुआ है ओ सी आई ए एल एस। ओ की नंबरिंग कितनी है मेरी, दो है, तो दूसरे पे ये लिख रहे हैं। सी की नंबरिंग मेरी कितनी है, तीन लिख रहे हैं। आई की नंबरिंग कितनी है, चार मानी, तो उसके बाद चार आ रहा है। ए की नंबरिंग कितनी है, पांच है, तो पांच आ रहा है। एल मेरा कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे है, तो मेरा छह आ रहा है। एस कौन से नंबर पे है, ये पहले नंबर पे, पहला। मतलब जो ये एक दो तीन चार पांच छह को लिखना है, वो उन्होंने रीअरेंज करके दो तीन चार पांच छह एक की फॉर्म में लिखा, वही काम इस ड्रिवन में करेंगे। ई आर आई वी ई एन नंबरिंग दे देते हैं इसकी, क्या देंगे नंबरिंग, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये मेरी नंबरिंग हो गई। और इस नंबरिंग के हिसाब से हमने लिखना है, दो पे मेरा क्या लिखा हुआ, दो पे आर लिखा है। तीन पे मेरा क्या लिखा है, आई लिखा है, तो आई लिख देंगे। चार पे मेरा क्या लिखा है, चार पे इसमें वी लिखा है, वी लिख देंगे। पांच पे मेरा क्या लिखा है, पांच पे ई लिखा है, तो हम ई लिख देंगे। छह पर मेरा क्या लिखा हुआ है, सॉरी, छह पे, अगला छह पे मेरा एन लिखा हुआ है, तो एन लिख देंगे। और पहले पे क्या लिखा हुआ, डी लिखा है, डी लिखेंगे। तो आर आई वी ई एन डी रिवेंड कहां पर लिखा हुआ, आर आई वी ई एन डी रिवेंड मेरा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।